ना, मुझे बहुत केयरिंग सिंपल लड़का चाहिए। सबसे बकवास लॉजिक यही है, केयरिंग सिंपल लॉजिक। उस हिसाब से तो मैं बहुत केयरिंग हूँ, मुझे तो एनिमल से बहुत प्यार है। कुत्ते बिल्ली मैं घर पे रखता हूँ अपने, वहां पे घर पे, अभी तो मैं बाहर हूँ। राइट। उस हिसाब से तो मैं बहुत केयरिंग हूँ। फिर तो खाना खिलाता हूँ कुत्ते आपको बिल्लियों बैंगलोर को। में आके कितने दिन हुए हैं? और जॉब के सिलसिले में आए हो 6 महीने हो बैंगलोर? गए मेरे को, 6 महीने। ओके, 6 महीने में आपको कोरबंगा नहीं पता है? नहीं पता यार, मैं निकलता नहीं हूँ बाहर, यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत है। ओके। बस रिजेक्ट करने का रीजन जी, हाँ रिजेक्ट करने का तो रीजन जी। एक लड़की ने मेरे को पता क्या रिजेक्ट क्या रीजन दी थी रिजेक्ट की डेटिंग में, बोलती है तुम्हारी एज मेरे से 5 साल बड़ी है तो तुम रिजेक्ट हो। अच्छा मैंने बोला फिर नेचर, फिर ये बोलती सब अच्छा है बट एज बड़ा है तो रिजेक्ट। मैंने बोला ठीक है चलो। फिर बाद में उसे एक ऐसा लड़का मिला जो उसके एज का है बट बहुत कमीना निकला। बाद में उसको ऐसा धोखा दिया अच्छा, कि फिर उसकी उसको मतलब उसकी भी नानी याद आ गई उसे। तो यही होता है, मतलब लड़कियों को आर्टिफिशियल प्लास्टिक चीजें बहुत पसंद होती है। ये तो ये मतलब एक बार वो बोला था ना, विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय को बोला था प्लास्टिक, प्लास्टिक लोग ऐसे ही होते। और मैं मान तो जितनी लड़की ज्यादा खूबसूरत है उतना डेंजर है, वहां से निकल जाओ। यार ऐसा नहीं होता, ये तो गलत बात बोल दी तुमने। नहीं हर सच लड़की बात में है ऐसी यार, नहीं होती देखो है, ना वो मैं हर बोल रहा हूँ लड़की ऐसी कि नहीं होती है। बहुत सुंदर लड़कियों में बहुत एटीट्यूड भी रहता है, ये आपको भी पता है, मैक्सिमम। यार भगवान की दुआ से मैं बहुत सुंदर हूँ, सब कुछ।